हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने वाले हैं ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी दिखने वाला केक। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे हम बनाएंगे बिना माइक्रोवेव के, बिना मोल्ड के, और ये पूरी तरीके से एगलेस होगा। वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केक के बैटर की प्रिपरेशन से पहले मैंने रख दिया है कढ़ाई को गर्म करने के लिए। अभी इसमें डालेंगे 1/4 कप नॉन फ्लेवर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, या आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप पाउडर शुगर, और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है एकदम क्रीमी होने तक। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी शुगर और ऐड कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। यहाँ ले लिया है मैंने 1/2 कप दूध रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। इसमें थोड़ा सा मिल्क अभी हमने ऐड किया है। इसमें डालेंगे 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और ड्राई इंग्रेडिएंट हम जितने भी यूज़ करेंगे ये मैंने पहले से छान लिए हैं। और इसमें ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ में इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दूध ऐड करना है। तो जो बाकी का दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, थोड़ी सी थिक है, तो जो बाकी का दूध है वो भी हमने इसमें पूरा ऐड कर दिया है। इससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, और हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून लेमन जूस, तो ये केक का बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम मोल्ड्स रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 ग्लास इस तरीके से, और इनको हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है और मैदा से डस्ट करना है, जिससे जो हमारा केक है वो इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे मोल्ड्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और यहाँ ले लिए मैंने थोड़े वाइट चॉकलेट चिप्स, और थोड़ा सा इसमें हमने मैदा लिया है, और मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे, जिससे ये तले में नहीं बैठेंगे। और बैटर में मैंने चॉकलेट चिप्स मिक्स कर दिए हैं, और हमें ग्लासेस में ये बैटर 1/2 भरना है, क्योंकि वो जब बेक होगा तो वो और भी फूल जाएगा। और इनको बेक करने के लिए हमें लगेगा 15 से 20 मिनट, या हम टूथपिक से चेक करके देखेंगे। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, हमें कढ़ाई का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है, और ऊपर से हमें इस तरीके से ढक देना है। तो 15 मिनट हो गए हैं, एक बार टूथपिक से चेक करेंगे। और आप देखिए केक अच्छे से फूल गया है, हमने 1/2 ग्लास भरा था और वो फुल हो गया है। तो टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन है, दैट मीन्स हमारा केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो गया है। और अब हम करेंगे इसे डीमोल्ड, थोड़ा सा नाइफ से इस तरीके से साइड्स को क्लियर कर लेंगे, जिससे ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से डीमोल्ड हो गया है,
और अब हम इसे पीसेज में कट कर लेंगे। बच्चों को डेफिनेटली ये केक बहुत पसंद आएगा। आप इसे आटे के साथ भी बना सकते हैं। देखिए एयर पॉकेट्स बहुत अच्छे से बने हैं और बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।